आपने देखा होगा बहुत से लोग प्रिस्क्रिप्शन लेके आ जाते हैं जो कि प्लस फॉर्मेट में लिखा रहता है, जैसे कि ये प्रिस्क्रिप्शन है। ठीक है, प्लस फॉर्मेट में क्या होता है कि जब भी आप प्लस फॉर्मेट प्रिस्क्रिप्शन लेके जाते हैं तो आप टीचर उसको प्लस फॉर्मेट न बना करके माइनस फॉर्मेट में चेंज करते हैं, उसके बाद बनाते हैं। तो अंतर क्या होता है, मतलब दोनों का मतलब तो सेम होता है, चाहे आप प्लस में लिखो या फिर माइनस में लिखो, बट हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई वेयर एंड केयर। दिस इज आपटाम राकेश कुमार सिंह एंड इन द टुडे वीडियो आई हैव टेकन द टॉपिक ऑफ सिंपल एंड टोरिक ट्रांसपोजिशन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार सिंह है और आज के हम इस टॉपिक में बात करेंगे सिंपल और टोरिक ट्रांसपोजिशन की। ओके, कि टोरिक और सिंपल ट्रांसपोजिशन होता क्या है। आपने देखा होगा बहुत से लोग प्रिस्क्रिप्शन लेके आ जाते हैं जो कि प्लस फॉर्मेट में लिखा रहता है, जैसे कि ये प्रिस्क्रिप्शन है। ठीक है, प्लस फॉर्मेट में क्या होता है कि जब भी आप प्लस फॉर्मेट प्रिस्क्रिप्शन लेके जाते हैं तो आप टीचर उसको प्लस फॉर्मेट न बना करके माइनस फॉर्मेट में चेंज करते हैं, उसके बाद बनाते हैं। तो अंतर क्या होता है, मतलब दोनों का मतलब तो सेम होता है, चाहे आप प्लस में लिखो या फिर माइनस में लिखो, बट एज ए कंज्यूमर, लाइक सपोज मैं चश्मा पहनता हूँ बट डॉक्टर ने जो पावर लिख के दिया है मुझे वो पावर नहीं मिलता है, तो मैं ऑप्टिशियन से पूछता हूँ कि भाई मैंने तो प्लस पावर में बना के, डॉक्टर ने तो प्रिस्क्रिप्शन प्लस में लिखा है, आप जो चश्मा दे रहे हो वो माइनस फॉर्मेट में, ऐसा क्यों है। ठीक है, सो बताना चाहता हूँ दोनों का मतलब सेम है, चाहे आप उसे प्लस फॉर्मेट में प्रिस्क्राइब कीजिए चाहे आप उसे माइनस फॉर्मेट में, दो तरह का ही प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा, या तो ये माइनस फॉर्मेट में लिखा रहेगा पूरा ऑल टू ऑल माइनस, या तो प्लस माइनस या तो प्लस प्लस। तो अगर वो प्लस माइनस है या फिर माइनस माइनस है तो आपको उसको ट्रांसपोज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बट अगर सिर्फ प्लस फॉर्मेट में आ जाता है, जैसे प्लस वन प्लस वन 90 डिग्री, या फिर ओनली प्लस वन सिलेंड्रिकल 90 डिग्री, तब आपको चेंज करने की ज़रूरत है। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर क्यों चेंज करना है। तो चेंज करने से ये होता है, अगर हम प्लस फॉर्म में कोई भी चीज़ बना के देंगे, जैसे सपोज अगर प्लस थ्री किसी का पावर है और हमने प्लस थ्री का लेंस बनने को दे दिया लैब में, तो जो सेंट्रल थिकनेस है ना, जिसको हम लोग सेंट्रल थिकनेस बोलते हैं, थिकनेस बहुत ज़्यादा मोटा आएगा। ओके, जिससे मतलब क्या बोलते हैं उसको, पेरीफेरी में उसको इमेज वगैरह या फिर पेरीफेरी में जो डिस्टॉर्शन वगैरह रहता है वो बेसिकली वो आने लगेगा और लेंस देखने में भी अच्छा नहीं रहेगा। अगर उसी हम प्लस थ्री फॉर्मेट को अगर माइनस फॉर्मेट में कर दें, सपोज अगर किसी का प्लस थ्री है 90 डिग्री, सिंपल एग्जांपल देता हूँ, प्लस थ्री सिलेंडिकल है 90 डिग्री, उसको हमें अगर माइनस फॉर्मेट में करना है तो क्या होगा, प्लस थ्री स्फेरिकल माइनस थ्री स्फेरिकल 180 डिग्री। ठीक है, तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि ट्रांसपोजिशन होता क्या है और ट्रांसपोजिशन की ज़रूरत क्या, कब पड़ती है और हमें कब करना चाहिए। तो जब भी हम बात करेंगे ट्रांसपोजिशन की, तो ट्रांसपोजिशन एक्चुअली दो तरह का होता है। एक है हमारा सिंपल ट्रांसपोजिशन, 90% केस में हमें सिंपल ट्रांसपोजिशन ही करना होता है। ठीक है, तो लेट्स सी द मीनिंग ऑफ द, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रांसपोजिशन। सो इट इज़ द टेक्निकल फार्मूला टू चेंज द लेंस फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप, स्पेशली फ्रॉम प्लस टू माइनस, दैट इज कॉल्ड योर सिंपल ट्रांसपोजिशन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ये दो प्रकार का होता है, इट कुड बी योर सिंपल और इट कुड बी योर टोरिक। सो सिंपल जो मैंने बताया है, यूजली हम लोग प्लस फॉर्मेट को माइनस फॉर्मेट में करते हैं। सिलेंड्रिकल का जो टोरिक ट्रांसपोजिशन होता है, बेसिकली वो मेनिस्कल और सिलेंड्रिकल लेंस को चेंज करने के लिए होता है। ओके, सो अब अगर हम बात करते हैं इसमें कि सिंपल ट्रांसपोजिशन होता क्या है, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिंपल ट्रांजिशन। तो इसमें थ्री थ्री थिंग्स ही आपको याद करना है। पहला है, द न्यू स्फेरिकल इज गिवेन बाय द एडिंग एल्जेब्रिकली द पावर ऑफ द स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल, इसको बोलते हैं सम। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका सिलेंड्रिकल का पावर है, ये सिर्फ तब लागू होगा जब प्रिस्क्रिप्शन आपका प्लस प्लस फॉर्मेट में है, मीन्स प्लस वन 90 डिग्री, या कुछ भी हो सकता है, ये कुड भी प्लस टू 90, 80, 180, कुछ भी हो सकता है। तो इसका रूल्स क्या होता है कि जो भी आपका सिलेंड्रिकल का पावर है, सपोज सिलेंड्रिकल हमारा, स्फेरिकल हमारा प्लस वन है, सिलेंड्रिकल भी हमारा प्लस वन है, करेक्ट है। या तो और इससे भी आसान हम बताते हैं, स्फेरिकल आपका प्लस टू है, सिलेंड्रिकल भी आपका प्लस वन है और 180 डिग्री है, इसको हमें ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो प्लस टू स्फेरिकल था, उसमें हमने क्या किया, सिलेंड्रिकल प्लस वन था वो जोड़ दिया, हुआ कितना प्लस थ्री। सिलेंड्रिकल का साइन चेंज करना होता है, पावर वही रहेगा, ध्यान दीजिए पावर वही रहेगा, सिर्फ साइन उसका चेंज हो जाता है। तो प्लस टू माइनस वन बाद में बचा आपका एक्सिस, सॉरी प्लस थ्री माइनस वन बचा आपका एक्सिस, नेक्स्ट एक्सिस था दिया गया था 180 डिग्री, सो
सो 180 में हम लोग घटा देंगे 90, तो बचेगा हमारा 90 डिग्री। तो तीन चीज़ें होती हैं, जो भी हमारा स्फेरिकल पावर है उसमें जो हमारा सिलेंड्रिकल पावर है वो हमको ऐड करना है, सिलेंड्रिकल का साइन चेंज करना है। और अगर एक्सिस 90 से ज़्यादा है, 180 जैसे था तो 90 से ज़्यादा है तो हम उसमें 90 घटा देंगे, अगर वो 90 से कम है या फिर 90 है तो हम उसको जोड़ देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर 90 से ज़्यादा है किसी का एक्सिस, सपोज 110 डिग्री है, +1 +1 110 डिग्री, तो +1 +1 110 डिग्री, तो इसको +1 +1 को हम करेंगे तो +2 हो जाएगा, -1 110 में से अगर आप 90 माइनस करोगे तो 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है एक्चुअली, कोई भी इसको सिर्फ एक बार ध्यान से सुनेगा तो उसको आ जाएगा समझ में। ठीक है, कि स्फेरिकल में जो सिलेंडर पावर है, सिलेंड्रिकल पावर हमको स्फेरिकल में ऐड करना है, सिलेंड्रिकल का जो साइन होता है चेंज करना है, प्लस से उसको हमको माइनस करना है, और जो एक्सिस है अगर वो 90 से ज़्यादा है तो हमको उसमें 90 घटाना है, 90 माइनस करना है, और अगर 90 से कम है तो हमको उसे ऐड करना है। ओके, दूसरा प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, दूसरा मतलब एग्जाम्पल लेते हैं उसका क्या होगा। सिंपल ट्रांसपोजिशन एक आप प्लस फॉर्मेट में भी कर सकते हो, जैसे कि -4 -2 70 डिग्री। ओके, इसको अगर हमें ट्रांसपोज करना है तो -6.25 विथ +2.25 डायोप्टर सिलेंड्रिकल 160 डिग्री, क्योंकि ये 90 से कम था। तो दो तरह का ही हो सकता है, या तो आप प्लस प्लस फॉर्मेट में लिख दो या फिर आप माइनस फॉर्मेट में लिख दो। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा एक और सिंपल एग्जांपल, जो है कि आपका +3 विथ -1 डायरेक्टर सिलेंड्रिकल 90 डिग्री, +3 विथ -1.5 डायरेक्टर 90 डिग्री। सो +3 मतलब हो गया आपका, +3 में से हमने घटा दिया -1.5 को, तो बचा हमारा +1.5 डायरेक्टर सिलेंडर विथ +1.5 डायरेक्टर सिलेंडर 180 डिग्री, क्योंकि +3 था जिसमें हमने -1.5 घटा दिया। तो 80% अगर केसेस में आप देखेंगे तो आपको प्लस लिखा रहेगा, जिसको हमको प्लस न करके प्लस माइनस करना होता है। ठीक है, ये था हमारा सिंपल ट्रांसपोजिशन, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्थोलॉजिस्ट आपको जो भी प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा बड़े बड़े हॉस्पिटल से, वो बेसिकली प्लस फॉर्मेट में ही लिखा रहता है। ठीक है, तो जो है जो ऑप्टिशियन आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है समझने में कि प्लस है तो माइनस कैसे करूं, तो बहुत ही सिंपल है, जो भी प्लस स्फेरिकल है उसे रहने दीजिए, जो सिलेंड्रिकल का स्फेरिकल है, सॉरी सिलेंड्रिकल की जो वैल्यू है वो आप स्फेरिकल में ऐड कीजिए, सिलेंड्रिकल का आप साइन चेंज कर दीजिए, एक्सिस देखिए, एक्सिस अगर 90 से ज़्यादा है तो घटा दीजिए, 90 से कम है तो ऐड कर लीजिए। सो सिंपल ट्रांसपोजिशन की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली ये भी दो फॉर्मेट में हो सकता है, या तो कोई -- फॉर्मेट में लिखा रहेगा जिसको आप -+ बना सकते हैं, या फिर ++ लिखा रहेगा जिसको आप +- बना सकते हैं, बट रूल्स रिमेन द सेम, मतलब फार्मूला सेम है, चाहे आप उसे ++ में कन्वर्ट करो या फिर प्लस से माइनस में कन्वर्ट करो। ओके, सो रूल्स यही है, स्फेरिकल पावर सेम, सिलेंड्रिकल पावर जो भी लिखा हुआ है उसका जो पावर है सपोज वो आप ऐड कर दीजिए स्फेरिकल में, सिलेंड्रिकल का साइन चेंज कर दीजिए, 90 से अगर ज़्यादा है तो 90 उसमें माइनस कर दीजिए, इफ इट इज लेस देन 90 देन 90 उसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, एक लाइन है, स्फेरिकल रिमेन सेम, ऐड द सिलेंड्रिकल वैल्यू इन द स्फेरिकल, चेंज द साइन ऑफ द सिलेंड्रिकल, देन ऐड व्हाट एवर द एक्सिस इज देयर, इफ इट इज मोर देन 90 देन रिड्यूस 90, इफ इट इज लेस देन 90 ऐड दैट 90। ओके, सो अब बात करेंगे इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मतलब हमें क्यों चाहिए सिंपल ट्रांसपोजिशन, भाई डॉक्टर ने प्लस में बना के दिया तो प्लस में ही बना के दे दो, क्यों चेंज कर रहे हो प्रिस्क्रिप्शन, व्हाई आई वांट टू गो फॉर प्लस माइनस या फिर माइनस माइनस, व्हाट एवर गिवन बाय डॉक्टर गिव मी द सेम। सो उसका आंसर ये है कि यू विल गेट सेम, इट इज नॉट लाइक दैट कि यू कांट गेट, बट डिफरेंस क्या है, जो आपका प्लस लेंसेस होता है ना, प्लस लेंसेस देखा होगा आपने, सेंटर में थिक होता है, मोटा होता है, साइड में पतला होता है। ठीक है, तो बीच में ज़्यादा मोटा रहने से क्या होगा, फ्रेम आपका छोटा है, मान लीजिए बहुत बड़ा फ्रेम नहीं है, फ्रेम छोटा है आपका और लेंसेस का थिकनेस ज़्यादा है, जो साइड में एब्रेशन होता है ना, जिसको हम लोग डिस्टॉर्शन बोल सकते हैं, एब्रेशन काइंड आप बोल सकते हैं, वो ज़्यादा हो जाएगा पहली बात, दूसरी बात लेंस का वेट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, वो भी उसमें एक ऑप्शन है एक्चुअली, और इजी टू अडाप्ट नहीं होगा, जल्दी से वो कम्फर्टेबल नहीं होता, प्लस पावर अगर किसी को बहुत ज़्यादा हाई पावर है तो टाइम लगता है उसको एक्चुअली एडजस्ट करने में। ओके, तो ये था कि इसकी वजह से हमको एक्चुअली वो चेंज करने की ज़रूरत है उसको। ओके, तो इतना ही था सिंपल ट्रांसपोजिशन में, ज़्यादातर ऑप्टिकल स्वरूप में बोलेंगे 90% केसेस में हर जगह माइनस सिलेंडर ही बना जाता है।
सो नेक्स्ट है हमारा टोरिक ट्रांसपोजिशन। टोरिक ट्रांसपोजिशन जरूरत क्या है टोरिक ट्रांसपोजिशन की, तो पहले उसका हम लोग पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज द टोरिक ट्रांसपोजिशन। टोरिक ट्रांसपोजिशन इज एन एप्लीकेशन फॉर सेलेक्टिंग द प्रॉपर फॉर्म एग्जाम्पल मिनिस्कस ऑफ सिलेंड्रिकल लेंस सो दैट इट इज ईजी टू मेक ए गुड करेक्टिंग लेंसेज। ओके सो रूल्स ऑफ टोरिक ट्रांसपोजिशन का रूल्स क्या होता है, सबसे पहले आपको चूज द प्रॉपर बेस कर्व फर्स्ट, देन डू सिंपल ट्रांसपोजिशन इफ साइन ऑफ द बेस कर्व एंड सिलेंडर आर नॉट सेम, फाइंड आउट द स्फेरिकल पावर, सब्ट्रैक्ट द बेस कर्व फ्रॉम द स्फेरिकल, फाइंड आउट द सिलेंड्रिकल सरफेस पावर, देन फिक्स द बेस कर्व एज ए सिलेंडर राइट एंगल टू एक्सिस ऑफ द सिलेंड्रिकल, एट द बेस कर्व एंड सिलेंड्रिकल दिस इज द सेकेंड सिलेंडर। ओके सो बोथ स्फेरिकल सिलेंड्रिकल डिटरमाइन द सिलेंड्रिकल लेंस पावर। एक्चुअली अगर सिर्फ ये उसके लिए जिसमें सिर्फ प्लस थ्री अगर देखा होगा आपने या फिर प्लस थ्री सिलेंड्रिकल पावर है और बेस कर्व अगर हमको नहीं मालूम है तो बेस कर्व चाहिए उसको बनाने के लिए एक्चुअली, क्योंकि विदाउट बेस जो है आपका वो काम नहीं करेगा। सिंपल ट्रांसपोजिशन बेस कर्व एंड सिलेंड्रिकल पावर आर नॉट सेम, ध्यान दीजिएगा ठीक। ट्रांसपोजिशन बहुत ही ईजी है, ज़्यादातर हम लोग को ज़रूरत है जब हम हमारे पास कोई प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है उस प्रिस्क्रिप्शन को मतलब हमें प्लस फॉर्मेट से माइनस में बनाना रहता है तब इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। ओके सो थैंक यू सो मच दोस्तों बने रहने के लिए, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। बट अगर कुछ पावर आपके पास है और लग रहा है कि इसका मतलब ट्रांसपोजिशन कैसे करेंगे समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर तीनों पे अवेलेबल हूँ। हमारी आईडी जो है रिमेन द सेम है iRakeshSingh21। ओके और एक और चीज़ अनाउंस करना चाहता हूँ कि आज से एवरी संडे आई विल कम लाइव ऑन द सेम यूट्यूब ओनली टू गिव द आंसर ऑफ द मैनी पीपल क्वेश्चंस। ओके सो हर रविवार को सुबह में 9 बजे से लेकर के 10 बजे 1 घंटे लाइव आऊँगा, जिसमें कि आप लोग अपने जो भी क्वेश्चंस हैं आई से रिलेटेड आई हेल्थ से रिलेटेड पूछ सकते हैं, वो कॉन्टेक्ट लेंस से भी रिलेटेड हो सकता है, तो एनीथिंग रिलेटेड टू द आई इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क एवरी संडे मॉर्निंग 9 to 10 AM। अगर मेरे पास उसका आंसर है तो डेफिनेटली दूंगा, बट अगर आंसर नहीं है तो कोशिश करूंगा दूसरों से पूछ के उसका आंसर देने के लिए। ओके सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।